जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और क्लोरोजॉक्साजोन के कंपोजिशन में आने वाली टेबलेट के बारे में। वैसे आप सभी जानते हैं कि यह जो टेबलेट है आपका एक दर्द निवारक टेबलेट है, तो आज हम इसी टेबलेट के बारे में सीखेंगे कि यह जो टेबलेट है किस किस ब्रांड नेम से, किस कंडीशंस में, किस डोज में और किस स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाती है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और जानकारी आप मिस कर जाए। तो दोस्तों यह जो एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और क्लोरोजॉक्साजोन के कंपोजिशन में आने वाली टेबलेट्स हैं, इसमें आपको अगर कुछ हम ब्रांड्स बताएं तो जो ब्रांड्स फ्रीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, तो उसमें आपका सबसे पॉपुलर आता है हिफेनिक एमआर टेबलेट, एसिक्लो एमआर टेबलेट, डोलोकाइंड एमआर टेबलेट और मोवेक्स एमआर टेबलेट है। तो ये जो चार पांच मैंने आपको ब्रांड्स बताए, ये सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं। जो भी ब्रांड्स आपको इजीली अवेलेबल होता है उस ब्रांड्स को आप परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों कि यह जो एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और क्लोरोजॉक्साजोन की स्ट्रेंथ होती है, तो उसमें आपको एसिक्लोफेनिक 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, साथ साथ जो पैरासीटामोल होता है वो आपको 325 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, और इसमें जो क्लोरोजॉक्साजोन है वो आपको 250 मिलीग्राम और या फिर 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो दोनों स्ट्रेंथ वाली आपको इजीली मिल सकती है मेडिकल स्टोर पे। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों कि यह जो हिफेनिक एमआर टेबलेट है या फिर डोलोकाइन एमआर टेबलेट है, यह किस किस कंडीशंस में जो व्यक्ति उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति जिसको पेन हो रहा है, मतलब व्यक्ति के बॉडी में अगर कहीं पर भी पेन हो रहा है, चाहे वह जॉइंट्स का पेन हो, मसल्स का पेन हो, इसके अलावा व्यक्ति के अगर बैक पेन की समस्या हो, साथ साथ हाथ पैरों में दर्द हो, शोल्डर्स में पेन हो, कोई वाउंड है उसका दर्द है, तो इन सारे कंडीशंस में इस डोलोकाइन एमआर टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको जो महिलाएं होती है उनको जो पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, उस दर्द को भी कम करने के लिए जो डॉक्टर है इस हिफेनिक एमआर टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और काफ़ी सारे कंडीशंस में अगर व्यक्ति को दर्द हो रहा है, जैसे कोई इंजरी वगैरह हो गई है और उसमें भी व्यक्ति को मसल्स स्पाजम की वजह से दर्द हो रहा है, तो उसमें भी इस टेबलेट को दिया जाएगा। दोस्तों इसमें जो क्लोरोजॉक्साजोन है, यह आपके मसल्स का जो स्पाजम होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन होकर के जो पेन होता है उसको, यह मसल्स स्पाजम को रिलैक्स करता है, तब जाकर के इसका अच्छा असर देखा जाता है। इसके अलावा समटाइम्स कुछ डॉक्टर इसको आपको बुखार में भी प्रयोग में दे सकते हैं, किसी और ड्रग्स के साथ आपको बुखार में इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इजिली आप इस ड्रग से सेफेस्ट है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह जो आपको डोलोकाइन एमआर टेबलेट है, यह आपको किस डोज में दिया जाएगा। तो यदि कोई एडल्ट व्यक्ति है तो उसको एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम खाना खाने के बाद प्रयोग में लेने की सलाह दी जाएगी। और अगर आप बच्चों में इसका प्रयोग करते हैं तो आधी टेबलेट लेने की सलाह दी जाएगी। वैसे बच्चों में आप खुद से अवॉइड करें इस टेबलेट को लेना। और साथ ही साथ यह जो टेबलेट है आपका प्रेगनेंसी में भी सेफ टेबलेट माना जाता है, मतलब अगर आप कोई प्रेग्नेंट महिला है या फिर कोई महिला है उसको भी आप इसको प्रयोग में दे सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि प्रेगनेंसी में आप खुद से ना दें, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होती रहती है महिलाओं को, तो आप इस टेबलेट को खुद से प्रयोग में देना अवॉइड करें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों कि यह जो एमआर टेबलेट है, एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और क्लोरोजॉक्साजोन की कंपोजिशन वाली, इसके क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं जब कोई व्यक्ति इसको कंज्यूम करता है। तो व्यक्ति को सबसे पहले तो उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है, और इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में आपको स्टमक पेन वगैरह, मतलब व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, और या फिर कुछ व्यक्तियों में आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी भी समस्या देखी जाती है, और रेयर केसेस में व्यक्ति को थकान सा फील होता है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति है उसको नींद भी आता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको सीवियर स्टेज में देखने को मिलता है तो आप इस टेबलेट को प्रयोग में लेना बंद करें और एक बार आप अपने डॉक्टर से मिल लें, ताकि जो डॉक्टर है वो आपको कोई और अच्छी सलाह दें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको इस जो एसिक्लोफेनिक के साथ जो मसल से रिलैक्सेंट क्लोरोजॉक्साजोन आती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी हो। तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कॉन्टेंट आपको मिलता रहता है। तो मिलता हूँ दोस्तों अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।